की वीडियो में हमारे पास जो है ये है, देखिए गाइस, तो ये जो है स्पीकर है और ये जो है बेस का स्पीकर है और ये जो स्पीकर है ये सबकी बजाते हैं गाइस, और आज हम इसकी बजाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि इस स्पीकर में जो है हम जो है एक्सक्लूसिव जो ये बॉम होते हैं जो आग लगाने पर फटते हैं वो इस पर हम रख कर और टेस्ट करेंगे। हम जो है कई प्रकार के जो है बॉम लाए हैं, इस प्रकार के और कुछ इस प्रकार के, और ऐसे बहुत बॉम हैं, कम से कम लगभग 100 बॉम से ऊपर है, और देखेंगे कितने बॉम में ये फट सकता है। तो आज हम यही चेक करेंगे कि इस तरीके से इसके नीचे बॉम रख के और फिर हम भाग जाएंगे आग लगाकर, और कर लेते हैं, करके देखते हैं। हमें भी कुछ नहीं पता अभी तक इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो चेक करके पता चलेगा। तो फाइनली गाइज अब जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं फील्ड में, और यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी पर्पज भी पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर अब जो है मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ कि किस प्रकार हम जो है बॉम को जो है रखेंगे और उसके बाद इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके डिब्बे जो हैं, एक डिब्बे में लगभग 10-12 बॉम हैं, और इन सबको इस तरीके से जो है रख देंगे, और इस तरीके से जमाने के बाद यहाँ पर इनको बखेरने के बाद हम जो है एकदम इनमें आग लगे उसके लिए हम पेट्रोल जो है बखेर देंगे। तो हम मैं कर ही लेता हूँ इनको भी और इसको भी और इसको भी, ये देखिए गाइस, और इसको 1 किलो लगभग जो है बारूद आ चुका है, और ये काफ़ी एक्सक्लूसिव है और काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इसके लिए ये क्या साबित हो सकता है कि इस पर क्या असर होगा। देखिए गाइस, वैसे ही ये बहुत चीज़ झेल सकते हैं, लेकिन आज चेक करेंगे कि ये जो है इस पर क्या रिएक्ट कर पाते हैं ये बॉम इस पर। तो चलिए अब जो है आग लगाते हैं, तो अब आग लगा लेते अटक जा, अबे इधर को आ जा, अब तो जल गया है। Once more! देखते हैं इसको कैसा हाल हुआ है इसका। अभी भी मुझे गाइस डर लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ जो बॉम है रह गए हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप खुद देखो, सारे उड़ चुके हैं, ये कुछ बच चुके हैं, कुछ उड़ चुके हैं। गाइस ये वाले ये नहीं उड़ पाए, देखिए सारे बच चुके हैं, लेकिन आप स्पीकर को देखो, स्पीकर का क्या हाल हो चुका है, अंदर तक गर्म हो रहा है। ये देखिए गाइस, ये इसका डस्ट कैप है, और अब देखिए गाइस ये जो है, देखिए ये मेटल का बना हुआ होता है, ये स्पीकर बेस का है, और ये इतना कुछ झेलते हैं कि ये यहाँ पर बेस देते हैं। लेकिन आज आप इसकी हालत देखो कि इसका क्या हुआ है बॉम से गाइस, क्योंकि जो बॉम होते हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, या हम कुछ भी कह सकते हैं ध्वनि क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप खुद देखिए, 600 वाट का स्पीकर था ये, लगभग 15,000 का, ये इसमें इतनी बड़ी कोयल चलती है, देखिए ये यही पंपिंग करती है, और सारी फूक चुकी है ये भी, और आप खुद देखिए स्पीकर पर क्या हुआ। तो गाइस आपको अब पता चल गया होगा कि स्पीकर का क्या हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देखकर, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हूँ तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो अब ऐसी किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय।